Assalamualaikum students, my name is Adil Ahmed and our today's topic is deep copy constructor. Deep copy constructor सबसे पहले dynamically memory allocate करेगा copy के लिए और उसके बाद actual value को उसमें copy करेगा. और deep copy के scenario के अंदर इस object में copy होना है और इसमें copy करना है, दोनों की memory location जो है वो different होगी. तो अगर मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है तो एक के अंदर जब हम चेंज करेंगे तो दूसरे के अंदर उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा. तो और ये डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ये यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू शैलो कॉपी. शैलो कॉपी के अंदर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो इस्तेमाल करते थे. अगर हम रियल लाइफ से कोई एग्जाम्पल लें डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर की, तो जैसे आप लोग अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करते हैं तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो लेट हो जाता है अपनी असाइनमेंट सबमिट करने में और वो अपने क्लास फेलो से असाइनमेंट ले लेता है और उसकी असाइनमेंट में चेंजेस करके तो अपने एंड से सबमिट करवा देता है, तब जो दोनों असाइनमेंट थी, जो ओरिजिनल स्टूडेंट की असाइनमेंट थी और जो उसके फ्रेंड ने से उसे कॉपी करके उसमें चेंज करके सबमिट किया, दोनों डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं. क्योंकि जो ओरिजिनल असाइनमेंट है उसके अंदर उसने कोई चेंज नहीं की, बल्कि उसकी कॉपी के अंदर उसने चेंजेस किए हैं. इसी तरह आप जो डीप कॉपी का सेक्टर है वो ओरिजिनल कॉपी को चेंज नहीं करता, बल्कि उसकी जो मॉडिफाइड कॉपी है उसको वो आगे प्रोसेस करता है. डीप कॉपी का जो कंसेप्ट है ये सेपरेट मेमोरी है वो कॉपी इंफॉर्मेशन के लिए अलाउड करता है. जैसा कि हमने शैलो कॉपी में पढ़ा कि सेम मेमोरी लोकेशन को दोनों ऑब्जेक्ट्स है वो पॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर डीप कॉपी के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा. तो जब डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा इट मीन्स कि उनकी जो सोर्स और जो कॉपी इंफॉर्मेशन है उनकी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन एड्रेस है वो भी डिफरेंट होगा. और अगर हम किसी एक मेमोरी एड्रेस के अंदर चेंज करते हैं तो उसका दूसरे मेमोरी एड्रेस के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा इसका. और जब हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं पॉइंट के जरिए, तो उसके लिए हमें यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है. और इन कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं. कुछ जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं डीप कॉपी परफॉर्म करने के लिए, वो हमारे पास एक तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रक्टर हो जो कि डायनामिकली एलोकेशन मेमोरी को वॉश कर सके, डिलीट कर सके. उसके बाद हमारे पास एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो कि कॉपी ऑफ द डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी क्रिएट कर सके. डीप कॉपी से रेलिवेंट हम एक एग्जांपल करते हैं जिसको हम डॉट सी प्लस प्लस में लाइन बाय लाइन डिस्कस करके एग्जीक्यूट करेंगे. ये हमारे डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है जिसमें हमने क्लास डेमो जो है वो डिक्लेयर की है. उसमें हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर इसके डेटा मेंबर इंट ए बी और स्टैटिक पी इंटीजर टाइप का पॉइंटर पी डिक्लेयर किया है. उसके बाद डेमो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने लिखा पी इज इक्वल टू न्यू इंट. उसके बाद डेमो इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो हमने डिफाइन किया यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर डेमो एंड साइन डी. अब डेमो को हम पास कर रहे हैं रेफरेंस टाइप वेरिएबल डी और इसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं ए इज इक्वल टू डी डॉट ए, यानी कि रेफरेंस टाइप वेरिएबल का जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यू है वो आप ऑब्जेक्ट ए को डेटा मेम्बर ए को असाइन कर दो. उसके बाद डी डॉट बी जो है वो हम बी को असाइन कर रहे हैं और न्यू इट हम पी को असाइन कर रहे हैं. एंड द लास्ट हम इसको डी डॉट पी का जो स्टेरिक है होल जो उसका पॉइंटर है वो असाइन कर रहे हैं स्टेरिक पी पॉइंटर को. तो ये डायनामिकली जो मेमोरी एलोकेट होगी वो इस पॉइंटर पी को असाइन कर देगा. नीचे वही साइड डेटा और शो डेटा का फंक्शन है जो हम शैलो कॉपी के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद मेन फंक्शन हमारा, इसके अंदर हमने क्या किया कि डेमो टाइप का एक ऑब्जेक्ट डी वन हमने क्रिएट किया है. डी वन का के जरिए हमने सेट डेटा का जो मेमोरी फंक्शन है उसको कॉल किया और उसने वैल्यूज पास किए हैं 4, 5 और 7. उसके बाद डेमो डी टू हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको हम असाइन कर रहे हैं डी वन. तो यहाँ पर हमने डी टू डॉट शो डेटा फंक्शन कॉल किया जो कि जो भी डी टू के अंदर वैल्यूज होंगे उनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा. तो यहाँ पे डी डेमो डी टू इक्वल टू डी वन जब हम करेंगे तो हमारा जो
डीप का भी कंस्ट्रक्टर है वो खड़ा हो जाएगा और वो इसको डी वन की वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करवा देगा। तो उसके बाद डी टू के ऊपर हम शो डेटा का फंक्शन कॉल करेंगे, तो हमें यही वैल्यूज है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ये तो सेम वैल्यूज हमें 4, 5, 7 जो कि हमने पास की थी डी वन के अंदर, वही हमें डी टू के अंदर भी डिस्प्ले हो रही है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों ऑब्जेक्ट्स का पॉइंटर पी है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू शेलो कापी जो कि एक ही सिमिलर प्लेस को पॉइंट करते थे। हमारा डीप कापी के अंदर जो पॉइंटर है वो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि इस एग्जांपल के अंदर यूज़र ने अपना जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, तो जैसे ही हम स्टेटमेंट डेमो डी टू इज इक्वल टू डी वन राइट करेंगे, तो इसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कि यूज़र ने डिफाइन किया है उसको कॉल करेगा एज़ कम्पेयर टू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि ये एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द जो वैल्यू टाइप्स डेटा हैं उनकी कॉपी, और ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंटर पी से पॉइंट हो रहा है उनकी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो क्रिएट करके इसको साइन कर देगा। और एक बात जो आपको मद्देनजर रखनी है कि डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ये कभी भी रेफरेंस टाइप के जो वेरिएबल है उनको उनकी कॉपी जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। ये बेसिक हमारा डिफरेंस था शैलो कॉपी और डीप कॉपी में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।